इटावा शहर की सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में तब हंगामा मच गया जब सड़क किनारे खून से लथपथ एक छात्रा का शव मिला। रात को छात्रा का शव इटावा सैफई हाईवे पर फेंका गया था। डिवाइडर के किनारे मिले रक्त रंजित शव को देखकर हर कोई हैरान था। एएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। इस मामले की जानकारी यूनिवर्सिटी के छात्रों को लगते ही बड़ी तादाद में छात्र यूनिवर्सिटी के बाहर जमा हो गए और इस घटना को लेकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। सैफई मेडिकल कॉलेज में छात्रा की हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्रों के हंगामे का एक वीडियो पोस्ट करते हुए अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है, सैफई यूनिवर्सिटी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई छात्रा की मौत अत्यंत गंभीर विषय है। ये है उत्तर प्रदेश में भाजपा के समय अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की घोषित नीति के जीरो हो जाने का एक और बेहद दुखद उदाहरण। इस कथित हत्या की न्यायिक जांच हो जिससे बीएचयू और सैफई विश्वविद्यालय जैसी घटनाओं में लिप्त लोगों का सच सामने आ सके और सरकार चाहकर भी उन्हें बचा ना सके। भाजपा सरकार नारी का न मान बचा पा रही है न उसकी जान। इस हत्या को लेकर जहां एक तरफ छात्र भारी संख्या में हंगामा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज अपनी जांच शुरू कर दी है। कल 14/3/24 को एक लड़की की जो है एएनएम कोर्स जो सैफई मेडिकल कॉलेज से कर रही थी, प्रथम वर्ष की छात्रा थी, उसकी हत्या करने की सूचना इटावा पुलिस के जनपद बैकपुरा थाने को मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके विधिक कार्रवाई किया। साथ ही साथ इसमें मृतका की मां द्वारा नामजद अभियोग अपने निकट पड़ोसियों द्वारा के ऊपर कराया गया था। 302 आईपीसी और 34 आईपीसी का उस संबंध में तत्काल जो है पुलिस टीम गठित की गई थी तथा पुलिस टीम गठित करने के बाद मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया तथा साथ ही साथ जो उसके सहयोगी अभियुक्त थे रिश्तेदार थे उनको भी हिरासत में ले लिया गया है तथा जो पीड़िता को उसमें ले जाया गया था उसको उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है और उस आला कतल को जिससे हत्या की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। साथ ही यह बता दूं कि इसमें फॉरेंसिक टीम के द्वारा बारीकी से हर तथ्य का हर घटनास्थल के हर पॉइंट का निरीक्षण परीक्षण किया गया है तथा उसको इकट्ठा किया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इसमें सजा कराई जाएगी। साथ ही साथ इसमें कठोरतम कार्रवाई जो मुलजिमान और गुनाहगारों के खिलाफ एनएसए तक की कार्रवाई इटावा पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में औरैया जनपद के कुदरकोट की रहने वाली 18 वर्षीय एएनएम प्रथम वर्ष की छात्रा थर्ड फ्लोर पर रूम नंबर 302 में रहती थी। पुलिस जांच में बताया जा रहा है कि उसकी 2 बजे से क्लास थी लेकिन वो क्लास करने नहीं पहुंची, जिसके बाद अन्य छात्रों ने उन्हें फोन करने की कोशिश की लेकिन फोन बंद आ रहा था। साथ ही छात्रों ने इस बात की जानकारी वार्डन तक भी पहुंचाई, जिस पर उन्होंने छात्रा के परिजनों को इस बारे में बता दिया था। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।